नमस्कार आयुष भाई, कैसे हैं आप? क्या अच्छा हूँ, बड़े लोग आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू वेब सीरीज में। थैंक यू। जो है ता यारी हुआ, बहुत सारे लोग हमारे संगीत विधा में अपनी अपनी विधा में अपनी अपनी परंपरा में तैयारी से काम करते हैं, तो हमने भी यही सोचा कि सब तैयार लोग तो हैं, उनके साथ बात करेंगे तो फिर इसका नाम क्या रखा जाए। तो हम तो वैसे पखावज वादक हैं, पखावज में जो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं थाप से, जिसको ता कहते हैं। जी जी। तो ता के साथ दोस्ती है, मतलब संगीत के साथ दोस्ती करनी है, यारी करनी है, तो इसलिए हमने हमारे गुरुजी ने इसका नाम रखा ता यारी। तो ता यारी में आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला हमारे लिए। वैसे आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आप सिखाते भी हैं, आप परफॉर्मेंसेज भी करते हैं, कार्यक्रम आपके चलते रहते हैं, वर्कशॉप चलते रहते हैं हर जगह पर, तो ऐसी व्यस्तता में आपने थोड़ा समय निकाला हमारे लिए, इसलिए पहले तो आपके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो पहले तो आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत, हाउ यू आर फीलिंग? बहुत अच्छा आपके गुरुकुल में आके लग रहा है और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, आपके शिष्यगण भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर आके लगा और सबको मैं देख रहा हूँ और यहाँ का एनवायरमेंट बहुत ही आनंद देने वाला है, बहुत सुंदर है। क्या बात, हमारे श्रोता भी आपको देख के उतने ही उल्लासित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपकी थोड़ी तबीयत कल परसों से हम देख रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखे जा रहे हैं रेगुलरली, उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला। तो आयुष भाई, हम शुरू करेंगे थोड़ा सा, हम तो जानना ही चाहते हैं लेकिन हमारे श्रोता हमसे ज़्यादा आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है जी जी वो आप जब दे पाएंगे। आपके बारे में काफ़ी चीज़ें हम जानते हैं, हम आपके गुरु जी से मिल चुके हैं, उनके भी दर्शन का हमको सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, तो लेकिन क्या है कि वो चीज़ें जो हैं वो आपके मुँह से ज़्यादा अच्छी लगेंगी और ऑथेंटिक और जाएंगी, सबको पता पड़ेगा, सब लोग आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे एक सिंपल सा, पहले तो सवाल है, कल आपकी एक बहुत सुंदर बंदिश आपके गुरु जी के पिताजी की सुनने का मौका मिला राजा रामचंद्र जी पे, तो अगर एक मिनट के लिए आप थोड़ा गुनगुना दें हमारे लिए, जी अवश्य, वहीं से शुरू करेंगे। जी जी। ये मेरे पिताजी पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी की रचना है, राग चारुकेशी। क्या बात है, शूलतार की बंदिश। राजा रामचंद्र राघव सीतापति पुरुषोत्तम पूरन ब्रह्म सगल जगत राजा रामचंद्र भव भय दुख हरन अति कृपा दीनन कीज कृपा मोप भूतव शरणागत राजा रामचंद्र। क्या बात है, हमारी इच्छा बहुत हो रही तालियां बजाने की, हमारे पिता जरूर तालियां बजा रहे होंगे आपको सुन के। ये हमारी आपसे जो थी अपील थी, अब श्रोता हमारे आपसे बहुत सारी अपीलें करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखते रहेंगे जी, रोजगार से और कुछ आप जरूर समझिएगा। तो आयुष भाई, एक सवाल जो है आजकल बहुत ध्रुपद को लेके हमेशा उठता है कि ध्रुपद क्यों चुनते हैं लोग जी, तो हर किसी के अपने अलग अलग विचार हैं, अपने अलग अलग सोच हैं,
तो मैं आपकी सोच जानना चाहूँगा कि आप परंपरा से आते हैं लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, तो वैसे ही कलाकार के बेटे कई बार कलाकार भी नहीं देखे गए हैं, लेकिन आपने इस विधा को क्यों चुना और आपको मतलब इसमें करने में क्या इंटरेस्ट आता है? सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि विधा चाहे कोई भी हो, हर विधा की एक अपनी क्वालिटी है, एक खूबसूरती है उसकी, ख्याल हो, भजन हो, गीत हो, ध्रुपद हो, धमार हो, जो भी हो विधा, हर विधा की एक खासियत है। और मुझे ध्रुपद ही क्यों पसंद आया, मैंने उस विधा को क्यों चुना, तो बचपन से ही घर में माहौल ध्रुपद का था, मैं सुनता आ रहा था, पिताजी को सुनता था, जैसे ही होश संभाला पिताजी को हमेशा सुनता आ रहा हूँ। तो जो ध्रुपद में स्वर का लगाव है और जो ताल की प्रमाणिकता है उसमें, वो चीज़ किसी और विधा में मुझे उतनी अच्छी, उतनी गहराई से नहीं मिली। तो वो चीज़ बचपन से ही उसके सुनते आए, उस चीज़ के संस्कार मिले। इवन मैंने परफॉर्मेंसेस में भी देखा कि हम लोग पूरे देश में, मैं पिताजी के साथ भी गाता हूँ और अकेले ही परफॉर्म करता हूँ, तो पूरे देश में गए तो ध्रुपद के नाम सुन के ही ऑडियंस, अच्छा ध्रुपद गाते हैं, क्या बात है, अरे ध्रुपद बहुत अच्छा विषय है, बहुत कठिन विषय है। तो जो ध्रुपद के प्रति लोगों का एक विशेष अट्रैक्शन रहता था, एक विशेष इज्जत रहती थी ध्रुपद की, वो चीज़ भी मुझे काफ़ी प्रभावित करी कि ध्रुपद कोई बहुत बड़ी चीज़, बचपन बाल मन होता है तो बचपन में तो सब चीज़ें की ऐसा ख्याल भी कर सकते हैं, ध्रुपद भी कर सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं। तो फिर जब ध्रुपद के प्रति लोगों का जो इंट्रैक्शन है, जो उनकी रिस्पेक्ट है ध्रुपद के प्रति, मैंने देखा वो चीज़ें उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा और मेरी भी इच्छा करी कि मैं ध्रुपद ही को आगे बढ़ाऊँगा और ध्रुपद ही आगे परस्यू करूँगा। और बाकी गाने को हम लोग सब कुछ हमारे घराने में चारों पट की गायकी होती है, ध्रुपद भी गाते, मेरे पिताजी ने लगभग 500 रचनाएँ करी हैं, उसमें ध्रुपद है, क्या बात है, ख्याल की भी बहुत सारी बंदिशें उन्होंने बनाई हैं, चतुरंग हैं, अलग अलग मात्राओं में बंदिशें बनाई हैं, प्रेयर तालों में बंदिशें हैं। तो इंट्रैक्शन जो ध्रुपद का लोग इसको जोड़ता है, वो चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करी। और जो स्वर का लगाव है, आप भजन में मुश्किल से अगर कोई गाने वाला है, एक राग को विस्तार करना है तो बहुत ज़्यादा 15 मिनट कर सकता है, और एक्सटेंड करने में थोड़ा सा भजन में दिक्कत आएगी, मगर ध्रुपद में आप जितना आप उसमें डीप जाएंगे तो आपको एक अलग ही डायमेंशन दिखता है। आप जितना उस राग को समझेंगे तो आप लगता है कि अरे इसमें तो ये भी बन सकता था, ये स्वर समूह भी इसमें निकल सकता था। जितना आप उसमें एक्सप्लोर करेंगे, आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मन करेगा और ज़्यादा आपको ढूंढने का मन करेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करी और यही चीज़ें थी कि मेरा रुझान ध्रुपद के प्रति बढ़ा। मैंने सुना भी काफ़ी लोगों को और हर चीज़ मैंने सुन के भी मैंने काफ़ी चीज़ें कि ये ध्रुपद में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। घर में भी काफ़ी अच्छा माहौल बचपन से सुनते आ रहा था और वो चीज़ें भी थीं। तो ये सब चीज़ें मिला के मैंने ध्रुपद शुरू करा और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कर सकूँ। वाह क्या बात है, आपसे बात करते हुए मतलब मैं काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों से मिला हूँ, उनसे बात करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, बड़े बुजुर्गों से बात करने का अवसर, उनका आशीर्वाद मिला है। तो आपसे बात करके ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं युवा पीढ़ी के एक गायक के साथ बात कर रहा हूँ। आप वरिष्ठ हैं, आप गुनी हैं, आप बड़े भाई जैसे हैं मेरे, ही आपका प्यार है मेरे, मतलब बहुत बहुत इतने डीप विचार। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी संस्कृति से, संस्कारों से जुड़े हुए हैं, तभी ये विचार आपके प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है ये। तो आयुष भाई, और एक सवाल जो होता है कि ध्रुपद, कई लोग ध्रुपद को अलग समझते हैं, उसे क्लासिकल म्यूजिक नहीं कहते और कई लोग बोलते हैं कि ये क्लासिकल म्यूजिक का ही एक अंग है। जी जी, तो इसके बारे में आपका क्या विचार, मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में ध्रुपद की अहमियत या उसका स्थान, इसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर उजागर कर सकें। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि ध्रुपद ऐसी गायकी थी जिससे पहली बार राग गायन हुआ था। ध्रुपद गायकी में पहली बार राग यदि किसी गायन में, शैली में गाया जाता था तो वो ध्रुपद था। इसके पहले प्रबंध गायन था, सांग गायन था, पर उतना विस्तार में रागदारी, राग गायन नहीं होता था इन सब गायकियों में। तो ये एक प्रकार का ध्रुपद हर विधा का जनक कहा गया है और
हर विधा इसी से निकली हुई है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और हम सब लोग ये भी मानते हैं कि ध्रुपद से ही ख्याल निकला है, हर चीज निकला है, मगर जो देखने का व्यू है वो आजकल हो सकता है कुछ लोग प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हो, मगर मेरे ख्याल से ध्रुपद कोई अलग नहीं है शास्त्रीय संगीत से। बस गाने की थोड़ा सा आप राग यमन ध्रुपद में गाएंगे, आप राग यमन ख्याल में गाएंगे, आप राग यमन में कोई भजन गाएंगे तो सब में तीव्र मध्यम ही लगेगा। ऐसा नहीं कि ध्रुपद में शुद्ध मध्यम हम लगा दिया या कोमल ऋषभ लगा दिया, राग तो वही है, बस गाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो ये चीज़ लोग समझते भी हैं और मानते भी हैं कि ध्रुपद किसी विधा से अलग नहीं है, हर चीज़ उसी में जुड़ी हुई है, राग उसमें भी गाया जाता है, राग ख्याल में भी गाया जाता है, बस गाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अलापचारी ख्याल में भी करी जाती है, बड़े ख्याल में लोग बढ़त करते हैं, अलापचारी करते हैं, वही अलापचारी हम लोग ध्रुपद में करते हैं। अंतर बस इतना है कि उसका जो लगाव है, स्वर का लगाव है, स्वर का लगाने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है बस। बाकी कोई विधा ख्याल ध्रुपद भजन ये मैं इन सबको किसी अलग चीज से नहीं बांधता, वो सब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही है, सब में राग गायन होता है, सब में ताल यूज होती है, तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में। सही बात है। नहीं, ये सवाल हमेशा हमारे श्रोता भी यही जानना चाहते थे आपसे कि ध्रुपद और बाकी जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है इसमें कोई अंतर है या नहीं है। कई कोई हर कलाकार के अपने व्यूज होते हैं जी, अपने तो आपका एक व्यू हमें हम सभी को जानने मिला। अब ये तो हो गई भारतीय संगीत के साथ का आपने ध्रुपद का स्थान बताया जी। आप विदेशी संगीत या वेस्टर्न क्लासिकल हो या और भी फ्यूजन म्यूजिक और बहुत सारे जो आजकल भारतीय संगीत को लेकर के बाहर भी संगीत के प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सब कुछ होता है, या और बाहर के कलाकारों के साथ इंट्रैक्शन होता है जी, तो ऐसा कुछ आपने आपको कोई अनुभव? हाँ जी, बहुत सारे हम लोग के अनुभव हैं वर्कशॉप्स के हैं। तो उसमें आप इंटरनेशनल म्यूजिक के म्यूजिक में अगर ध्रुपद को रखें जी तो देखें तो कैसा देखेंगे आप, मतलब इंटरनेशनल म्यूजिक या वर्ल्ड म्यूजिक में ध्रुपद का क्या स्थान? वर्ल्ड म्यूजिक में देखिए ध्रुपद आजकल तो आप देख रहे हैं कि फॉरनर्स बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट हो रहे हैं ध्रुपद से। उसका रीज़न यही है कि जो इम्प्रोवाइजेशन है ध्रुपद में वो उनको बहुत खींचता है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है और वो उनके म्यूज़िक में काफ़ी हेल्पफुल भी है। हमारे यहाँ हम लोग का ध्रुपद केंद्र इस्टेब्लिश करा है संगीत नाटक अकेडमी। हाँ, उस बारे में मैं आपसे बात करूँगा ज़रूर। तो उसमें कई सारे बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा बॉलीवुड म्यूज़िक गाते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा वेस्टर्न म्यूज़िक गाते हैं, मगर वो ध्रुपद सीख रहे हैं। हम लोग ने उनसे बातचीत करी तो उनको यही उनका अनुभव रहा कि ध्रुपद से उनको जो उनकी विधा है वेस्टर्न म्यूज़िक है, बॉलीवुड म्यूज़िक है, तो उसमें बहुत उनको लाभ हुआ ध्रुपद सीखने से। जो ध्रुपद में जो स्वर लगाने का तरीका है उससे वो बॉलीवुड म्यूज़िक में काफ़ी अपना कार्य कर सक रहे हैं। क्या बात है। और हमारे यहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स निकले भी, मेरे पिताजी के स्टूडेंट हैं, बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा अंकित तिवारी जी। अरे हाँ। तो वो उन्होंने 8 साल ध्रुपद सीखा है। वाह। और ही इज़ अ गुड ध्रुपद सिंगर और पिताजी के साथ हम लोग ने साथ में काफ़ी गाया है ध्रुपद और आज उनका काफ़ी हो रहा है बॉलीवुड में और बढ़िया नाम, और अच्छा नाम है उनका जी जी। और जो म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस का जो तरीका है वो ध्रुपद के कारण और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। ध्रुपद में जो आप स्वर लगाने का जो अलग अलग डायमेंशंस हैं कि आप इस स्वर से आपको रे से गा में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, आप गा से मा में जाना है तो आप 15 तरीकों से गा से मा में जा सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको वर्ल्ड म्यूजिक कोई भी हो, आप बॉलीवुड हो, वेस्टर्न हो, कोई भी म्यूजिक हो, आप उसमें वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये मतलब अच्छा, आपने बॉलीवुड का भी जिक्र किया जी, तो आपकी इच्छा है कभी बॉलीवुड में भी गाने की? अगर ध्रुपद का कार्य होगा तो मैं जरूर उसके लिए। मतलब अगर ध्रुपद ही गाएंगे आप बॉलीवुड में जी, जी हम लोग का लक्ष्य है कि ध्रुपद को ही, क्योंकि ये हम लोग का धर्म है एज अ ध्रुपद गाए कि ध्रुपद को ही आगे बढ़ाना है। ध्रुपद क्या बात है, ध्रुपद कोई ऐसी चीज नहीं है कि आम जनता उसको नहीं सुन सकती है, आम ऑडियंस नहीं सुन सकती है, उसको प्रेजेंट ऐसा करना है कि आम ऑडियंस भी उससे कनेक्ट हो सके,
और आजकल बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आप देख रहे होंगे कई सारे मूवीज में या सीरियल्स में बैकग्राउंड में ध्रुपद की आवाज यूज होती है, पखावज की आवाज यूज होती है, तो वो लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है। और यदि इसमें और कार्य होगा, मेरा मेरी तो ये भी इच्छा है कि ये ध्रुपद के गाने आए मूवीज में, अलग अलग सिचुएशंस के। शिव जी का है, बहुत अच्छी रचनाएं हैं शिव जी की, और मेरे ख्याल से एक दो मूवीज में भी लिया भी गया है ध्रुपद का जी। और ये कार्य हो रहा है, इसको सुन के बहुत खुशी होती है कि ध्रुपद का प्रचार प्रसार हो रहा है और ऐसे ही होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप ध्रुपद को लेकर और उसके प्रचार प्रसार को लेकर के इतना सीरियस हैं। और बस अभी आपने, मैंने जैसे आपको कहा कि आपके गुरुकुल के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, तो उस बारे में भी आप अगर थोड़ा बता दें हमारे श्रोता, आप बहुत जानना चाहते हैं कि आप सिखाते भी हैं। जी जी, हम लोग का गुरुकुल है कानपुर में जी जी, और वहाँ पे लगभग 150 बच्चे शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। क्या बात है, इंक्लूडिंग ध्रुपद भी है उसमें। और अभी हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली ने वहाँ पे ध्रुपद केंद्र स्टैब्लिश करा है, उसमें मेरे पिताजी पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी को गुरु और डायरेक्टर बनाया है उसका। क्या बात, और उसके अंतर्गत जो भी बच्चे सीख रहे हैं तो उनको ध्रुपद में कार्य करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, और उनको प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं कि मंच उनको प्रोवाइड करा जाता है कि वह प्रस्तुति दे, और हर एक प्रस्तुति से उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि मैं इसमें और कुछ कर सकता हूँ। और बाहरी आर्टिस्ट को हम लोग बुलाते हैं जिनको सुनने से वो इंस्पायर होते हैं, वर्कशॉप्स भी करवाते हैं जी। तो ये सब कार्य हो रहा है कि ध्रुपद और शास्त्रीय संगीत और पल्लवित पोषित हो और आगे बढ़े। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आपसे एक एक हर सवाल के जो हर सवाल पे आप छक्के लगा रहे हैं वो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब हर चीज में आप हमारे सारे श्रोताओं को हमारे सहित इम्प्रेस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि इस उम्र में एक युवा कलाकार के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनने को मिले, तो इससे ज़रूर हमारे श्रोताओं में भी काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हमारे रिस्पेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी ज़रूर ये सुनेंगे तो उनको भी बड़ा आनंद होगा। तो एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं कि आप अपने गुरु जी से, आपके पिताजी ही हैं आपके गुरु जी, तो कभी ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे भी गुरु मेरे पिताजी हैं जी जी, तो अब मैं मेरी बात नहीं कहूँगा, मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या आपके अनुभव और मेरे अनुभव में कुछ अंतर है या वही बात है। तो गुरु और पिता जी जी, इन दोनों रूपों में अगर एक व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं जी जी, तो ऐसे में आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है? देखिए, पिताजी भी मुझसे हमेशा कहते हैं और मैं भी वही मानता हूँ, वो मेरे गुरु पहले हैं, पिता बाद में हैं। मतलब मैं ठीक हूँ जी, और पिताजी और गुरु होने से जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि लोग एक्सपेक्टेशंस और बढ़ा लेते हैं कि अच्छा आप उनके बेटे हैं तो अच्छा ही करना चाहिए। तो वो एक तरह से अच्छा भी है कि एक लेवल सेट हो जाता है कि इसके ऊपर ही हमें कार्य करना है। क्या बात, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं जी, और उनकी हर गतिविधियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उनके साथ रहकर हर चीज़ें देखकर, उनके दिनचर्या देखकर, उनका कार्य देखकर, क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब एक पिता, देखिए पिता का क्या होता है, थोड़ा सा रुतबा तो होता है जी, डर लगा रहता है, लेकिन वही अगर गुरु हो जी तो ज़रा डर में इजाफा होता है या क्या, वही उतना ही डर में इजाफा ज़्यादा होता है गुरु होने से डर में इजाफा ज़्यादा होता है, क्योंकि पिता से ज़्यादा गुरु अपने शिष्य का भला चाहेगा। वाह, मेरे ख्याल से यही हुआ कि गुरु, दुनिया में खाली तीन ही लोग ऐसे हैं जो सच्चे मन से किसी की उन्नति में खुश होते हैं, गुरु माता पिता। क्या बात? तो और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं, तो ये और मेरे लिए अच्छी बात है, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ये भी एक अलग अनुभव होता है कि जब पिता या माँ आप लोग आपके गुरु हैं, तो ऐसे में एक अलग फील जी जी, हाँ एक रिश्ता अलग बन जाता है। तो अब चूँकि आपके पिता ही आपके गुरु हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा, जो अब तो खैर पिता ही गुरु होने की वजह से एक ही घर में हैं जी जी, तो अनायास गुरु शिष्य परंपरा में आप हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन को हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज वाला ज़माना जो है ना, और हमारी जो पुरातन पीढ़ी जो रही गुरु शिष्य परंपरा में,
तो आपको क्या लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा का क्या रोल है हमारी विधा को संभालने के लिए? म्यूजिक ऐसा विषय है कि वे बिना गुरु शिष्य परंपरा के नहीं आने वाला। आपको मैथ्स पढ़नी है तो आप क्लास जाके कोचिंग जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि खाली मैथ्स करने के लिए ये चलता है, दिमाग चलता है। मगर गुरु शिष्य परंपरा में संगीत सीखने के लिए आपको संगीत में मंथन दिमाग तो चलाना पड़ेगा, साथ साथ समर्पण भी होना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ नहीं आने पाएगी। दिमाग और मन दोनों चीज़ें एक साथ अगर आप समर्पित हैं गुरु के लिए और आप उस चीज़ में कार्य कर रहे हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि संगीत ऐसा विषय है कि आप इसमें बिना समर्पण के, आप जितने भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जितने बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, लेजेंड्स हुए हैं हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत के, वे बिना समर्पण भाव से कुछ नहीं कर पाते। अगर समर्पित ना होते अपने गुरु के लिए तो वो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर संगीत खाली दिमाग लगाने से नहीं आने वाला, क्योंकि नेट में इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं आज, तो यदि किसी को दिमाग लगाना होता तो आज कई सारे जोशी जी तैयार होते हैं। मगर जो जोशी जी का समर्पण था अपने गुरु के प्रति, उन्होंने वही समर्पण उनको भारत रत्न बना गया। बिल्कुल, पंडित भीमसेन जोशी बहुत ही बड़ा नाम है जी जी, और हमारे देश का प्रतिनिधित्व उन्होंने दुनिया भर में किया जी जी। अवश्य नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है जी, डेटा अवेलेबल है, तो उस वजह से गुरु के पास बैठ कर गुरु की खाली गाना ही नहीं सीखना होता है संगीत में, हर चीज सीखनी है। आपका व्यवहार कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, तब आप एक कंप्लीट संगीतकार बन पाते हैं। खाली अच्छा गा लेना, कई सारे एग्जांपल्स हुए हैं वो बहुत अच्छा गाते थे मगर उनके पास बाकी चीज़ें नहीं थी, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और खाली सक्सेसफुल होना ही सब कुछ नहीं है संगीत में। बिल्कुल, संगीत में एक जो आत्मिक सुख है, अंदर आत्मा को जो सुख मिलता है, वह सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। तो अब गुरु शिष्य परंपरा, फिर आपका संस्था, तो इसमें अब गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपके पास काफ़ी शिष्यगण हैं जो सीख रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, ताकि हमारे श्रोताओं में से भी अगर कोई चाहे तो वहाँ पर सीखने आ सकते हैं। तो मैं बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप आयुष जी से कैसे संपर्क कर सकते हैं या सीखने कैसे जा सकते हैं, उस बारे में सारा चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन इनसे ही सुनते हैं हम डायरेक्ट जी। कानपुर में रंजना देवी संगीत महाविद्यालय के नाम से, मेरी माताजी के नाम से है ये जी, वहाँ पे उसके डायरेक्टर मेरे पिताजी हैं पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी, मेरे गुरु जी जी। तो उसमें वहाँ पर लगभग 300 बच्चे शास्त्रीय संगीत में गायन, तबला एवं नृत्य तीनों चीज़ें सीख रहे हैं। वाह। और सारे बच्चे जितने भी गायन सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत या तबला सीख रहे हैं, सब मैक्सिमम लोग बिल्कुल पूरे रूप से समर्पित हैं और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सब सीख रहे हैं। क्या बात है। एक प्रकार का गुरुकुल है हमारे यहाँ कानपुर में, वहाँ पे बच्चे आते हैं। और कभी कभार तो मुझे लगता है कि प्रेफरेंस घर वालों से ज़्यादा बच्चों को मिल जाती है। मैं जब छोटा था तो कई बार मम्मी से कहता था कि अरे पापा तो बस शिष्यों को ध्यान देते हैं, मेरे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग थी गए नहीं पापा, मेरे यहाँ फंक्शन था, मेरी परफॉर्मेंस थी, एनुअल फंक्शन था, मुझे गाना था, पापा नहीं आए, ये वो। तो कभी कभार ऐसा भी लगता है कि आप तो खुद ही आपको आपके परिवार में आपके पिताजी भी गुरु जी हैं, तो कभी कभार ये भी हो जाता है। देखिए इस चीज़ में वो आ जाता है कि गुरु शिष्य से ज्यादा लगाव करता है एज कम्पेयर फ्रॉम पिता पुत्र से। ये एक अच्छे गुरु का बहुत बड़ा लक्षण है जी जी। अब बताएं जी। तो वहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं, लगभग 30 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा ध्रुपद गा रहे हैं, बहुत अच्छा ध्रुपद गा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं गाने। क्या बात। और कई सारे बच्चे प्रोफेसर्स हुए हैं, कई सारे लेक्चरर हुए हैं, कई सारे रेडियो टीवी आर्टिस्ट हुए हैं। क्या बात। और सब कर रहे हैं कार और संगीत को पल्लवित पोषित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर आपसे सीखना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं में से कोई, तो फिर आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? जी जी ज़रूर। आप वेबसाइट है हमारी पिताजी की www.dhrupadvinodd.com, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, तो इसमें आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं गुरुकुल के बारे में,
रंजना देवी संगीत महाविद्यालय के बारे में, ध्रुपद केंद्र कानपुर के बारे में, और जितनी भी अन्य जानकारियाँ हैं वो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आप आने वाले कुछ दिनों में ध्रुपद की एक फौज खड़ी करेंगे? जी जी, कोशिश यही है कि ध्रुपद का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सकता है। जी, मेरा तो हम लोग का ये मानना है कि एक समय ये भी आए कि कोई रास्ते में निकल रहा है, जैसे हम लोग के साइड जागरण जगराता बहुत होता है, तो हम लोग का ये ड्रीम है कि कोई निकल रहा है तो अच्छा आज वहाँ पे बारह देवी गए थे, वहाँ पे ध्रुपद हो रहा था। वाह। अच्छा आज कल्याणपुर गए थे, वहाँ पे ध्रुपद चल रहा था। क्या बात है। हमारे यहाँ आज ध्रुपद की बैठक है। क्या ऐसा कार्य हो रहा है, हम लोग भी करते हैं और भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत अच्छा कार्य इस समय हो रहा है। वाह। और आशा है कि ये कार्य ऐसे ही होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। वाह वाह वाह। आप इसी लगन से कार्य करते रहेंगे तो जरूर ये बढ़ेगा और प्रफुल्लित होगा। बहुत बढ़िया लग रहा है मतलब आपसे बात करके। तो एक आध मैं जानना चाहूँगा कि कोई कोई ऐसी ऐसा इंसिडेंट या कोई मोमेंट ऐसा है ना, कोई आपको याद है कि आपके गुरु के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, गुरु के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और ऐसे में कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कोई प्रोग्राम यादगार आपकी लाइफ में अभी तक की लाइफ में? खैर लाइफ तो बहुत बड़ी है, आप बहुत युवा हैं, तो अभी तक की लाइफ में, अभी तक आपने काफ़ी प्रोग्राम उनके साथ गाए होंगे, तो कोई एक यादगार कॉन्सर्ट या वर्कशॉप जो भी कहें आप? जी जी, देखिए मेरे पिताजी ने मलिक परंपरा से सीखा हुआ है जी। और हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं श्री शोभन सरकार जी। वाह। तो पिताजी और मैं दोनों लोग उनके पास, वो संत हैं, एक बहुत बड़े संत हैं और बिल्कुल साधारण बिल्कुल हैं, कोई ऐसा नहीं जैसे आजकल संत लोग होते हैं कि एसी है हर चीज़ है जी। तो वो बिल्कुल ना कोई पंखा है, बिल्कुल गांव में रहते हैं और वो बहुत अच्छे जानकार हैं संगीत के। तो एक दृश्य आता है, हम लोग 3-4 साल पहले की बात है कि हम लोग उनको जाके कोशिश करते हैं कि उनको जाके कुछ सुनाएं और उनसे कुछ सीखें, क्योंकि संत लोगों का आशीर्वाद और संत लोगों का ज्ञान पाना ये बहुत अमूल है और बहुत बड़ी बात है कि कुछ वो लोग बता दें हम लोग को जी। तो वो हम लोग के गुरु की तरह हैं, तो हम लोग उनके पास जाते हैं, उनको सुनाते हैं, तो वो पिताजी को बाबू बुलाते हैं और मुझे छोटे बाबू। अरे हाँ। तो बस हम लोग ने तानपुरा खोला और वो कहते हैं बाबू क्या गा रहे हो, तो पापा ने कहा कि दोपहर का समय है, गर्मी का समय था, जून का शायद समय था, तो दोपहर का समय है, मैं वृंदावनी सारंग गाने जा रहा हूँ। क्या बात। तो उन्होंने कहा वृंदावनी सारंग ना गाओ, मल्हार गाओ इस समय, मियाँ मल्हार गाओ। तो पिताजी थोड़ा सा, और हम भी थे साथ में गाने के लिए, थोड़ा सा संकुचित हुए कि इतनी गर्मी में इस समय मल्हार क्या कैसा क्या, हल्के से धीमे से, क्योंकि हम लोग गुरु हैं तो उनसे ज़्यादा अर्जुन गुरु जी मल्हार इस समय। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ इसी समय, इसी समय, ये यही समय है इसका गाओ। बस जैसे ही बिल्कुल तपती धूप थी उस समय, बिल्कुल जून का महीना आप जानते हैं हम लोग के क्षेत्र में तो और ज़्यादा गर्मी होती है जी। तो जैसे ही हम लोग ने गाना शुरू करा, वो भी हम लोग के साथ गा रहे थे, सरकार गा रहे थे, शोभन सरकार हम लोग के साथ। तो जैसे ही लगभग 20-25 मिनट बीते तो अचानक से पता नहीं कहाँ से बादल आए और वर्षा धीरे धीरे शुरू हो गई। क्या बात। तो फिर हम लोग तो बिल्कुल अचंभित थे कि ये विद्या, ये चीज़ तो खाली संत जनों के पास ही है। और जी जी। तो उनसे बस कहा कि ये कैसे क्या हो गया, तो कह रहे मैं इसीलिए तो कह रहा था मल्हार गाओ। तो उन्होंने बताया कि ये जितनी भी कोई विद्या ऐसी नहीं होती कि वो लुप्त हो जाती है, वो कहीं ना कहीं दबी होती है और वो आज के समय में मेरे ख्याल से संत पुरुषों के पास ही हो सकती है। जी जी जी। हमारे श्रोता जानते होंगे मियाँ तानसेन के बारे में भी ऐसी कहानियां हैं, ये सब लोग संत पुरुष ही थे। जी जी जी। उन्होंने मल्हार का, फिर दीप राग का, इसके ऐसे काफी सारी कहानियां सुनी होंगी, तो वैसे ही एक प्रैक्टिकल। और ये इसमें हम लोग की कोई उपलब्धि नहीं है, ये संत पुरुषों का ही आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने गाया, उनके पास वो विद्या है, हम लोग बस कोशिश करते हैं कि उन लोग से, संत पुरुषों से थोड़ा बहुत जो कुछ ले सकते हैं, थोड़ा बहुत उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं वो ले सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। समापन की ओर बढ़ने से पहले कोई और एक अगर बंदिश आप गुनगुना लें जी। तो वैसे तो हम दोनों ने कल एक कार्यक्रम किया था
तो उस कार्यक्रम की भी थोड़ी सी क्लिप आपको दिखा रहे हैं। इसका स्वरूप नहीं बिगड़ेगा। बंदिश सुनाता हूँ जी, मध्य ताल में राग भैरव। वाह क्या बात। Jai Shiva, Jai Shiva.
शंकर हर हर महादेव जय जय शिव शिव जय 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 शिव शिव जय 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 शिव शिव जय जय शिव शंकर हर हर महादेव दमरु धर पिनाक धर गंगा धर डमरु धर पिनाक धर गंगा धर कंठ गरल धर अग हर जग के स्वामी जय शिव शंकर हर हर महा महादेव महादेव जय शिव शंकर हर हर महादेव जय जय शिव जय जय शिव जय जय शिव जय शिव शंकर हर हर महादेव 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 जय शिव शंकर ऐसी कई सारी रचनाएं हैं पिताजी की तो ये कार्य है कि ध्रुपद और भी तालों में हो क्या बात चार ताल शूल ताल तीव्रा के अलावा भी हो क्या बात बहुत बढ़िया विचार है ये तो आपके विचारों से प्रेरित हों आज का युवा इसके लिए आप आज के युवा के लिए जी अभी क्या तो कोई मैसेज देना चाहिए अभी तो हम ही लोग ही कोशिश कर रहे हैं प्रेरित अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं परंतु यदि आप सीख रहे हैं तो बस एक ही मंत्र है कि अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें पूर्ण रूप से और देखिए गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहेगा गुरु ने यदि कह दिया कि सूरज कहीं और से निकल रहा है तो शिष्य वो भी माने बाकी भगवान का है कि भगवान गुरु को समझाए कि आप ये ऐसा है मगर शिष्य अगर समर्पित है तो सूरज को उस जगह से निकलना पड़ेगा क्या बात गुरु के प्रति समर्पित है पूर्ण रूप से क्या बात तो गुरु जो बताए आप पूर्ण समर्पण से श्रद्धा भाव से सीखिए और कभी किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस ना करिए कि आपको मुझे दो साल में ये करना है दो साल में मुझे इस मंच पे गाना है ये करना है आप अगर समर्पित हैं तो अपने आप एक एक सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएंगे और आप एक समय देखेंगे अरे एक साल पहले तो मैं ये था और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया और सब आपके समर्पण का आपकी श्रद्धा का आपके लगन का आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा क्या बात तो इसी के साथ आयुष भाई आपसे ऑन स्क्रीन बातें रुक जाएंगी लेकिन हम आगे भी बात बहुत मुझे अच्छा लगा आप बहुत गुणी व्यक्ति हैं और मेरे बड़े भाई जैसे हैं और हमेशा आप यही प्यार बनाए रखिए हमेशा है हमारे श्रोता भी आपसे प्यार करने लगे हैं आपकी विधा पे प्यार करने लगेंगे आपकी आवाज़ पे प्यार कर रहे हैं अरे सब गुरुजनों का आशीर्वाद है अभी मैं कोशिश ही कर रहा हूँ और सीख ही रहा हूँ अभी कोई उम्र कोई नहीं होती है आपको जीवन भर सीखना पड़ता है और अभी तो हमने शुरुआत करी है पर हम ता यारी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि आपकी ऐसी तैयारी जी और भी हमको सुनने मिले और हमारे सारे श्रोताओं को सुअवसर प्राप्त हो कि जल्द से जल्द आपका लाइव प्रोग्राम भी वो जरूर सुनते हैं तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और विदा लेते हैं मतलब सिर्फ स्क्रीन पे विदा लेंगे बाकी तो ऑफ स्क्रीन तो हम और भी कई मिलते रहेंगे हमेशा कार्यक्रमों में एक साथ जी तो फिर से बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके आप सभी लोगों से मिलकर वरिष्ठ जनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सब बहुत तैयार हैं और बहुत अच्छा आपके साथ तो गाते ही हैं और ज़रूर बहुत जल्दी मौका लगने वाला है कि आपके जितने भी तैयार स्टूडेंट्स हैं सबको सुनने का और सबके साथ गाने बजाने का ईश्वर चरणों में प्रार्थना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो मच प्रणाम